आज के आनंद की और हमारे प्यारे बच्चे जैसलमेर से आए हैं, इन सब की जोरदार शब्दों से जय। ये बच्चों के ये जो गायन है, ये जो भक्ति में गायन इनका, इस पिताई के दरबार में जो स्वर इनके गूंजे हैं, जो इनके अलाप गूंजे हैं, उससे ये जो नया ऑडिटोरियम, इसका जो इनॉग्रेशन है, वो सही मायनों में आज हुआ है। मैं जब इसको बना रही थी तो बनाते बनाते मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि अब जब अशोक जी नए नए हीरे जवाहरात समुद्र की गहराइयों से निकाल करके लाएंगे ना, तो जो यहाँ एक आनंद बरसेगा उसका एक्सपीरियंस ही अलग होगा। मेरी और अशोक जी की एक इनविजिबल टॉक होती रहती है, इनविजिबल। वो यूनिवर्स में जैसे मैं अपना मैसेज भेजती हूँ, मनी मन पिताई के चरणों में अपनी अर्जी डाल देती हूँ, और उधर से अशोक जी में इतनी शक्ति भर गई है। वैसे तो पहले ही माँ निर्मला का बड़ा आशीर्वाद इनके ऊपर है, इन्होंने अपनी माता जी की बहुत सेवा की है, और इनकी धर्मपत्नी ने हर एक घर में आने वाले सत्संगी गेस्ट बड़े खुले हाथों से स्वागत किया। और मैं जब पहली बार बॉम्बे गई तो मैं नीरजा को बड़ा माइन्यूटली मैंने वॉच किया कि ये जिस तरह से सबका ख्याल रखती, कब ये वस्त्र उठा के ले जाती जो उतरे हुए, और कब वो प्रेस हो के बड़ा हर चीज़ नीट एंड क्लीन, बड़ी मेटिकुलसली, इतना वहाँ रश होता था इनके घर में, पर फिर भी एवरीथिंग जैसे बड़े कोई एंजल आती है ना, पिताई कल एंजल की बात कर रहे थे, तो उस टाइम मुझे नीरजा का ख्याल आया कि जब मैंने नीरजा को फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे ऐसे ही लगा कि माँ जो है वो इतनी निश्चिंतता से पिताई को और पूरी संगत को इसलिए ही बुला लेती है कि उनको पता है कि उनके पास नीरजा नाम की एंजल है। मैंने कई बार ये जिक्र किया, कई बार मैंने जिक्र किया नीरजा के सामने कि नीरजा आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और ये जो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज में थोड़ा करने में क्षमता आई है, मैं नई नई इंग्लैंड से आई थी तो मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन नीरजा पंडित से ही हुई थी, तो उनसे मैंने सीखा कि कितने भी लोग आ जाएं कैसे हंसते 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 सारा काम कर देना और पता भी ना चले। और ये जो बच्चे आज आए हैं यहाँ गा रहे हैं, और अशोक जी में के उनके जो ब्लड में ये संगीत है, तभी वो पहचान पाते हैं, क्योंकि ये नीरजा पंडित, ये इनको रियाज करने का उतना वक्त क्यों नहीं मिला, बिकॉज शी वॉज अ वेरी गुड हाउसवाइफ टू, ये सबका ख्याल रखती, और स्पेशली अपनी सासू माँ जो कि माँ निर्मला, हमारी प्यारी नाम माँ निर्मला, वो मस्ती मस्ती में टेलीफोन करके सबको बुला लेती, और उनको पता था कि ये नीरजा नामक एंजल जो है ये फटाफट खाने की व्यवस्था ये वो सब कर देंगी। तो इनसे मैंने इसीलिए ज़िक्र किया कि मैं बॉम्बे जब गई मैंने नीरजा को कहा कि मैंने आपसे बहुत सीखा है, और जिससे सीखते हैं हमें उसको बताना चाहिए,
उससे उसको ये अपने जो विचार हैं वो एक्सप्रेस करने चाहिए। अभी ये बच्चे जब गा रहे थे तो बड़ा मन हो रहा था कि मैं भी उठ के नाचूं, और इनके गायन से इतनी ज़बरदस्त मेडिटेशन हो रही थी, इतना ध्यान लग रहा था, इतनी मस्ती में थी कि मैं अभी तक उस मस्ती में हूँ, जैसे वो कुछ पिया हुआ है, कोई मादक प्राण। इतनी इनकी आवाज़ में, ऐसे हमारे पास बिल्कुल इनकी आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे कोई अर्श से कोई देवता या भगवान, वो संगीत इनके कंठ के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है। मैं आपका धन्यवाद तो बहुत छोटा सा, आप रात के 1 या 1:30 बजे आए और अच्छे से रेस्ट भी नहीं इन्होंने किया होगा, पर सुबह इनके अलाप देखो कैसे निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि सद्गुरु के सामने इनमें एक ऊर्जा भर गई। ये देखो, ये जो कास्ट, क्रीड, ये सब हमने ही बनाए हैं। भगवान ने तो इंसान बनाए थे, उसने इंसान बनाए थे, हमने ही धर्मों में बांट दिया। अब ये जो मानवता मंदिर, ये जो पिताई का आश्रम है, ये मानवता मंदिर इसीलिए है कि यहाँ हम सब मानव हैं और पिताई के सानिध्य में बैठ करके मानव से महामानव बनेंगे। पर वो महामानव शाम तक भूल जाते हैं 1 घंटे में ही कि हम अभी अभी पिताई से इतना प्यारा सत्संग सुन के हटे हैं। और गुरु मैया जी ने हाथ जोड़ के बहुत रिक्वेस्ट की थी कि इस, ये जो गुरु का द्वार है ना, ये जो आश्रम है, ये जो सत्संग हॉल है, इसमें बहुत ऊर्जा भरी है। इसमें चप्पल जूते लाना मतलब ये है कि उसी क्षण अपना कर्म बना लेना। जब आप गुरुद्वारा में जाते हैं, आपने देखा आपके जूते चप्पल वो जमा कर लेते हैं गुरुद्वारा के अंदर, कभी लेकर के जाना जूता चप्पल, आप एक्सपीरियंस करना। अगर कोई नहीं गया ना तो वहाँ निहंग जी बैठे हैं, वो सीधा अंदर ले जाते हैं, तो वो उसको उस भाषा में कहते हैं, निहंग जी की भाषा में, सौदा लगाना। तो मुझे भी अब लग रहा है कि मुझे सौदा रूम बनाना पड़ेगा। सौदा लगाना होता है, अंदर डंडा रखा होता है, और वो तब तक पिटाई करते हैं जब इंसान की अच्छी तरह चीखें ना निकल जाएं। इनके तो अलाप निकल रहे थे ना, तो आपके वो दूसरी तरह के अलाप निकल रहे हैं। मैं जोक नहीं कर रही। अब अगर मैंने किसी को देख लिया ये जो गुरु के द्वार में जूते चप्पलों के, तो गेट से ही आपकी जूते चप्पलें उतरवा के मैं रख लूँगी, और तब तक नहीं देंगे जिस दिन तक आपने जाना नहीं। भले आपके पाँव यहाँ चल चल के जैसे भी हो जाएं, तो ये चीज़ें कृपया कृपया ना करें। अगर आप कहते हो जब आज आप दर्शन करोगे तो आप मेरे चरणों को हाथ नहीं लगाओगे, मैं नीचे आज बैठ करके आप सबके चरणों को हाथ लगाऊंगा। ये जो वैसाखी हम मनाते हैं, ये एक तरह से नया साल, ये नए साल की शुरुआत है। वो जो जनवरी, वो तो गोरों ने अपना बना दिया, पर जो ये इंडिया में हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये नया साल बैसाखी पे शुरू होता, तो ये बैसाखी पे इतनी सेलिब्रेशन हम क्यों करते हैं? ये इसलिए सेलिब्रेशन करते हैं, किसान करते हैं, बिकॉज दिस इज़ प्री हार्वेस्टिंग सीज़न। उन्होंने जो फसलें बोई हैं, अब वो फसलें कट के आने को तैयार हैं, उनके घरों में धन धान्य आएगा, वो हम तक पहुंचाएंगे, और पहुंचाने के बाद उनको ढेर सारा पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो खुशियां आएंगी, तो इसीलिए वो बहुत खुश हो करके इस पर्व को मनाते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी में यही दिन क्यों चुना था अमृत छकाने के लिए, इसकी अगर डेप्थ में जाएं तो गुरु गोविंद सिंह वो बहुत मेडिटेशन में रहते थे, और मेडिटेशन में ही उन्होंने ये देखा और उन्होंने ये जाना कि ये जो सूर्य है ना, सूर्य, ये जो प्लैनेट हैं, जो प्लैनेट्स हैं जिनकी बात करते हैं, जुपिटर या वीनस या और ये धरती माँ,
ये सूर्य की उत्पत्ति है, ये सूर्य देव की उत्पत्ति है। सूर्य देव हमारे पिता हैं और ये धरती, इसको माँ हम इसलिए कहते हैं कि ये धरती की उपज आगे से हम हैं। धरती, सूर्य ने धरती को पैदा किया और धरती माँ के ऊपर ये जो कीड़े मकौड़े वनस्पति, ये सूर्य की गर्मी लेकर के उन्हीं में हम भी हैं। हम भी कीड़े मकौड़े ही हैं। वो ठीक है कि हम अपने आप को मानुष समझते हैं, पर वो जो कुत्ते बिल्ली हैं वो भी अपने आप को बड़ी सुपर समझते हैं, पर वो सुपर हैं भी। उनको जब टीच कर दिया जाता है तो वो भूलते नहीं, पर हम तो भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं उनको इंसानों से ऊपर रखा हुआ है कि दे आर ऑलवेज फेथफुल। उनको एक बार पाल लो तो वो अपने मालिक को 10 साल बाद भी पहचान लेते हैं, कभी धोखा नहीं देते। पर इंसान धोखा दूसरे को तो क्या, अपने माँ बाप को ही नहीं पहचानते। जैसे ही बड़ा होता है बच्चा, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाता है, वही माँ बाप जिसने अपने खून पसीने की कमाई खिलाई। तो ये जो सूर्य देव हैं, इन्होंने, इनका जब इनसे जन्म हुआ धरती माँ का, धरती माँ से हमारा, तो सूर्य देव की जो हमारे ऊपर एक ऊर्जा है उसका पल पल असर होता है। तभी ऋषि मुनियों ने, ये एक प्रथा थी कि सब लोग सुबह उठ कर के जैसे सूर्य उगता है तो उनको जल देते हैं, तो वो जल की धार के बीच में से हम उनके दर्शन करते हैं, मन ही मन उनका धन्यवाद करते हैं। और अगर साइंस के तरीके से देखा जाए तो जो सूर्य देव हैं उनकी रेज, अर्ली मॉर्निंग जो रेज होती हैं, चूँकि वो बहुत तेज नहीं होती तो वो हमारी आँखों को नुकसान नहीं देती, रादर आँखों की रोशनी तेज करती हैं। और ये जो हमारी बॉडी है इसके ऊपर जब सन रेज पड़ती हैं तो विटामिन डी, जो कि हमारी बॉडी में 70 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, दैट कन्वर्ट्स इनटू विटामिन डी जैसे ही हमारे शरीर के ऊपर सूर्य देव की किरणें पड़ती हैं। तो हमें अलग से ये जो विटामिन डी के शैशे या विटामिन डी की गोलियां नहीं खानी पड़ती। पहले ज़माने में इंडिया में एटलीस्ट, स्पेशली ये जो नदन पार्ट है, किसी का विटामिन डी कम नहीं होता था। बट नाउअडेज यहाँ भी हम लोगों को ये विटामिन डी खाना पड़ रहा है, बिकॉज हम लोग सब सूर्य देव से भाग के कि हम काले ना हो जाएं और हमारे रंग ना ख़राब हो जाएं, पर हमें बीमारियां लगानी मंजूर हैं। तो इसीलिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बाहर वॉक करके, और जितने कम से कम सिर्फ तन ढकने के लिए कपड़े डालो, बाकी थोड़ा सा शरीर को एक्सपोज करो ये सन रेज को, सो दैट आप नेचुरली सूर्य देव की किरणें जब आपके ऊपर पड़ेंगी तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी, इवन लगी हुई बीमारियां ख़त्म होने लगती हैं। तो ये जो प्रोफेसर डगलस, अमेरिका में एक इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ ट्री रिंग इंस्टीट्यूशन, तो उसके जो फाउंडर हैं ही इज़ प्रोफेसर डगलस, तो उन्होंने ये 50 साल पहले ये शोध करना शुरू किया इन पेड़ों पे, कि ये जो पेड़ों के रिंग होते हैं ना, इनसे पेड़ की एज का पता लगाया जाता है। एवरी ईयर एक रिंग बन जाता है पेड़ में, तो उससे पेड़ों की जो एज है उसका पता चलता है। तो प्रोफेसर डगलस ने पाया कि एवरी 11th ईयर वो जो पेड़ का रिंग है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसका जो रिलेशन है दैट इज़ डायरेक्टली टू द सन। और एक और चीज़ उन्होंने देखी कि पेड़ों के जो रिंग है, कहीं कहीं जब बहुत सकरे हैं तो वहाँ देखा कि उस टाइम पे जो वर्षा है वो नहीं पड़ी। जैसे पानी कम मिला तो रिंग सकरा, और जहाँ रिंग बहुत बड़ा है तो उसका मतलब ये है कि वर्षा या पानी पेड़ को ज़्यादा मिला। तो उन्होंने देखा कि
कि एवरी फिफ्थ ईयर जो रिंक है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और इलेवेंथ ईयर आते आते वो बहुत बड़ा हो गया, एंड देन आफ्टर 11 ईयर्स फिर वो पेड़ का जो रिंग है वो छोटा होना शुरू हो गया। तो ये सूर्य के साथ इसका रिलेशन उन्होंने देखा है कि सूर्य की किरणें जो रेडियो एक्टिव उनकी ऊपर एक हलचल है, रेडियो एक्टिव रेज हैं, वो बहुत कम मात्रा में इस धरती पे हमें मिलती हैं। अगर बहुत मिले तो हिरोशिमा नागासाकी की तरह सब जल जाए, सब ख़त्म हो जाए, जबकि वो एक ही एटम था। तो सूर्य देव में पता नहीं कितने एटम्स हैं, पर चूंकि सूर्य देव बहुत दूर हैं तो उन्होंने उतना ही हमें रेज मिलती हैं जिससे हम जी लें, जिससे ये वनस्पति उगे, जिससे हमारा जो ये जीवन है ये फले फूले। तो और एक शोध ये हुआ कि इजिप्ट में एक राजा था, तो वो राजा ने वो सूर्य देव की पूजा करता था, आई थिंक उसका नाम फेरो था शायद, एंड वो सूर्य देव की पूजा करता था। तो उसने सूर्य देव की पूजा करते करते इन द सेंस पूजा मेडिटेशन करता था, बिकॉज ये चीज़ें आपको मेडिटेशन में ही पता चलेंगी। मेडिटेशन होता है अपनी तरफ मुड़ना, अपने एक जैसे विपस्सना की स्थिति होती है ना, जैसे भगवान बुद्ध ने विपस्सना का दिया है कि अपनी तरफ मुड़ करके आप अंतरतम में जा करके ये यूनिवर्स के साथ जुड़ना। तो जब यूनिवर्स में ये सारी हलचल होती है तो वो आपको पता चलने लगती है। तो उस राजा ने हुक्म दिया कि जो नील नदी है उसका आप पानी का स्तर देखें, एक इंच भी बढ़ रहा है तो उसको नोट डाउन किया जाए, और एक इंच भी कम हो रहा है तो भी नोट डाउन किया जाए। तो 90 साल के बाद वो जो नील नदी है उसका जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता, बहुत बढ़ जाता। तो तब ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसके ऊपर ज़्यादा हलचल होनी शुरू हो जाती है। ये 4000 साल उन्होंने शोध किया है जो आज भी काम आ रहा है। तो ये इसका उन्होंने, ये वैज्ञानिकों ने देखा कि जो सूर्य है वो 45 ईयर्स तक जवान होता है, एंड आफ्टर 45 ईयर्स फिर वो बूढ़ा होने लगता है। तो जब वो बूढ़ा होने लगता है तो जैसे ही वो 90 ईयर्स आते हैं तो वो रेडियो एक्टिव रेज इस तरह से वहाँ खलबली मचती है, क्योंकि धरती सूर्य देव से पैदा हुई है। तो यहाँ पे उसका असर क्यों नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे जो भूकंप अभी आप देख रहे हैं ना, कितने भूकंप आ रहे हैं, जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, और सुनामी भूकंप ये सब आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये देखा गया कि जैसे 90 ईयर्स पूरे हुए सूर्य देव के तो वैसे 24 आवर्स होते हैं इन ए डे, बट वो 90th ईयर में जो ये धरती माँ है ये 23 मिनट 56 सेकंड का एक दिन होता है वैसे, तो उसमें भी गड़बड़ाने लगी, उसमें भी हलचल होने लगी। पहले यंत्र नहीं थे मापने के तो नहीं पता था, अब चूंकि बड़े बड़े यंत्र आ गए हैं अब तो सेकंड से भी सेकंड, बिल्कुल कम से भी कम हलचल कहीं होती है उसका पता चल जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें सूर्य देव की इन पेड़ों पे और धरती पे घट रही हैं तो हम धरती माँ के बच्चे हैं, क्योंकि हमारी उत्पत्ति धरती से हुई है, और जिसका रिलेशन सीधा सूर्य देव से है जो हमारे पिता है। तो हमारे शरीरों पे कितना असर होता होगा, ये जो ऋतुओं का, ये जो क्लाइमेट चेंजेस का होता है, पर पेड़ जो हैं उनका चित नहीं होता,
उसमें वो स्टोर नहीं होता, इसीलिए पेड़ के जो रिंग बनते हैं तो उनको काट के ये शोध कर लिया गया कि पेड़ों पे सूर्य देव की किरणों का ये असर होता है। पर इंसान के ऊपर अभी तक ये शोध चल रहा है जिसका अभी पता नहीं चला, तो उसमें वैज्ञानिकों ने यही पाया कि चूँकि हमारा चित्त होता है तो उस चित्त पे असर हो रहा है सूर्य देव का, ये जो किरणों का और ये जो धरती की हलचल का और ये जो सौर मंडल में चीज़ें घट रही हैं उसका। तो ये जो इतनी छोटी छोटी चीज़ें, इतनी माइन्यूट चीज़ें आपके जब ऊपर असर करती हैं, तभी कुछ लोगों की सुइसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका जब माँ गर्भ धारण करती है तो फर्स्ट एक्सपोजर उसका माँ के साथ तब होता है जब गर्भ धारण ही हुआ अभी, एंड सेकंड एक्सपोजर होता है जब बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो साथ ही उसका सेकंड एक्सपोजर होता है, और उस सेकंड एक्सपोजर में वो किसके साथ होता है? माँ के साथ। तो ये वैज्ञानिकों ने ये जो एम्पथी वर्ड दिया है ना, कि हम एक दूसरे का जब हिस्सा होते हैं तो हमें सेम वो फीलिंग रहती है, तो उन्होंने ये शोध पाया कि जब ये मुर्गी का बच्चा पैदा हुआ तो वो पैदा अंडे से निकलता ही अपनी माँ के पीछे 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 भाग रहा। तो सब कहते हैं चूँकि माँ है ना इसलिए बच्चा पीछे भाग रहा, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि नहीं, चूँकि अंडे से जब वो बच्चा निकला तो उसके पास कौन था? मुर्गी, उसकी माँ। तो उन्होंने माँ को तो हटा दिया, वहाँ गुब्बारे रख दिए। अब वो चूज़ा जैसे निकला वो गुब्बारे के पीछे 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 भाग रहा है, क्योंकि गुब्बारा जिधर जिधर जा रहा है, और फिर उन्होंने माँ को छोड़ा तो वो माँ के पीछे नहीं जा रहा, वो गुब्बारे के पीछे जा रहा है। ये शोध हुआ है, मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कह रही आपको। तो वही चीज़ें हैं कि जब हमारा एक्सपोजर, जैसे हम पैदा होते हैं तो वो माँ के साथ होता है, तो जो लड़के अपने माँ के सानिध्य में पलते हैं तो वो क्या करते हैं, माँ इतना प्यार देती है तो वो भी आगे अपनी वाइफ को या बहनों को या दूसरे लोगों को वो अच्छी नज़र से देखते हैं। पर जहाँ पे कहीं ना कहीं मदर जो है उसका बिहेवियर अपने लड़के के प्रति कुछ अच्छा ना हो, या हस्बैंड वाइफ बहुत झगड़ा कर रहे हों, तो वहीं पे वो लड़का जो है उसकी जो नेचर है वो बचपन से ही चेंज होने लगती है, उसके दिमाग पे असर होने लगता है। तो वो बड़े होते 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 कोई रेपिस्ट बन जाता है, वो औरतों को बड़ी हीन भावना से देखने शुरू कर देते हैं। तो फिर कहते हैं जी हमारे लालन पालन में तो कोई कमी नहीं थी, फिर भी ये बच्चा ऐसा निकला। एंड जो लड़कियां हैं वो भी ज़्यादातर माँ के पास ही पलती हैं। अगर बाप लड़कियों को, जो उनकी बेटियां हैं, उनको बहुत प्यार दें और उनके सामने उनकी माँ के साथ झगड़ा ना करें, तो जो लड़की है वो भी बड़ा सिक्योर एंड सेफ फील करेगी विद देयर हस्बैंड्स। जब वो हस्बैंड मिलेगा तो उनको वो जो बाप ने उनकी माँ के साथ ट्रीटमेंट किया है तो वो उसी तरह से ही उसको देखेगी, इज्जत करेगी। पर चूँकि जाने अनजाने हम बच्चा जब एक्सपोज होता है टू दिस वर्ल्ड, तो हम जाने अनजाने छोटे छोटे बच्चों के सामने कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हमें लगता है कि वो सुन नहीं रहे, पर उनका जो सूक्ष्म माइंड है वो उसको ग्रहण कर रहा होता है। आपको लगता है ये तो बहुत छोटा है, तो इसके सामने हम जो मर्जी करते रहें इसको थोड़े पता है, पर नहीं, ये अब वैज्ञानिक इसका शोध कर रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन नेचर बनती है, किस तरह से इंसानों की नेचर आगे आगे डेवलप होती है। कुछ तो जीन्स होते हैं और वो जीन्स भी हमारे ही कर्मा होते हैं, तो वो हम ही पास्ट में जो होते हैं
तो वो आगे आकर के हमारे जीन्स, जैसे शुगर की बीमारी हो गई या हार्ट प्रॉब्लम हो गई, ये इनको सब अब साइंस या डॉक्टर्स कहते हैं दिस इज़ जेनेटिक प्रॉब्लम, तो कुछ डाइट फूड से भी होता है। तो ये जो चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, जैसे सूर्य देव की मैंने बात करी है कि ये धरती माँ उसका हिस्सा है, या जब सौर मंडल पे कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वो धरती पे उसका असर पड़ता है, तो क्या हम अछूते रह जाते हैं? हम तो अछूते नहीं रहते। हाँ, एक कैप्सूल बना हुआ है हमारे इर्द गिर्द कि हमें उतनी ही गंद आएगी जितना हम पास से पास आ सके, बहुत दूर की गंद नहीं हम समझ सकते, या सुनाई भी उतना ही देगा जितना के ज़रूरी। अगर बहुत ऊंची आवाज़ होगी तो भी हम डेफ हो जाएंगे, अगर बहुत कम आवाज़ में मैं बात करूंगी आपसे तो आप सुन नहीं सकेंगे। पर ये जो होते हैं ना जानवर, इनमें जो एक सेंसरी नर्व्स होती हैं ये इतनी तेज़ होती हैं कि 1.5 मील दूर भी अगर बाई चांस घोड़े के पास कोई सींग आ गया है या लायन आ गया है तो घोड़े को पता चल जाता है कि खतरा आसपास ही है। हमें तो सामने कहीं दिखाई नहीं देता, पर इन जानवरों को, जैसे कुत्ते हैं ना, भूकंप होने से पहले वो भौंकना शुरू कर देते हैं, बहुत भौंकते हैं। और पक्षी भी, पक्षी अपने आलने छोड़ छोड़ के उड़ना शुरू कर देते हैं, इवन रात को वो फड़फड़ाने लगते हैं, क्योंकि जो भूकंप है वो समुद्र की गहराइयों से जब शुरू होता है तो उसकी जो तरंगे हैं इन पक्षियों को, इन पेड़ पौधों को, वो हमसे पहले पता चल जाती हैं, हमें नहीं जल्दी पता चलता। तो इसीलिए जब ये नया साल, ये जो बैसाखी का मनाते हैं, तो इसमें भी अब सूर्य देव, जब क्योंकि अभी विंटर गई है, अब ये सूर्य देव अपनी गर्मी की तरफ जा रहे हैं, आगे और समर आएगी मई में, जून में, जुलाई में, फिर धीमे होना शुरू हो जाएगा। तो इसका एक ये जो प्लेनेटरी पोजीशन है, ये जो ऋतु हैं, इसी वजह से इसका जो एक रिलेशन है इस टाइम पे, मैंने पहले भी आपको गुरु पूर्णिमा पे नद्रन एंड सद्रन ये दो चीज़ें समझाई थी कि कब ऊर्जा बढ़ती है कब कम होती है, तो वो है। इसी वजह से हम सेलिब्रेशन करते हैं, अच्छे अच्छे घरों की सफाइयां करते हैं, अच्छे पकवान खाते हैं, तो उसका रिलेशन ये है। और जब हम सद्गुरु की वाणी सुनते हैं तो उससे ये चीज़ें और क्लियर होने लगती हैं। मे बी आई एम नॉट वेरी गुड टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल, बट इवन देन मैं थोड़ा बहुत ट्राई करती हूँ कि जो समझ मुझे आई है, मैं चाहती हूँ कि उस समझ को मैं आपके साथ शेयर करूँ। बहुत हो गया, अगर हमें पता होगा तो फिर हम उसको और अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। और आपको सबको, चाहे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अपना अंतर ध्यान होना चाहिए, और ये मत वेट करो कि कब ये चीज़ें घटेंगी। आप चेयर ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, आइए चेयर के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठ जाइए। आर यू ऑल राइट? थोड़ा अच्छा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और आपको मैं ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, और आपसे क्षमा भी मांगूंगी कि कभी कभी थोड़ी मैं हार्श भी हो जाती हूँ, पर वो भी आपके भले के लिए। ठीक है, सबको मेरा राधा स्वामी।